टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलवा पुलिस ने चैन स्नेचिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कलवा में चैन स्नेचिंग के मामलों की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने शंकर राजू कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। शंकर राजू कुमार कलवा का ही रहने वाला है। अब तक पूछताछ में इसने 3 गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने इसके पास से 1,38,000 के चोरी के सामान बरामद किए हैं। कलवा पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलवा पुलिस ने इस चोरी के मामले में क्या जानकारी दी है, सुनिए। कलवा पुलिस स्टेशन के एरिया में मंगलसूत्र चोरी के चालू साल में 7 गुने हुए हैं। उसमें से ज़्यादा गुने डिटेक्ट होने के लिए हमने हमारे सीनियर PI आवाड़ साहब, क्राइम के PI आजगावकर साहब और हमारा PSI DB के PSI कौड़े और इनका स्टाफ को PI आवाड़ साहब ने ये किया था, सूचना दिया था। तो उसके ऊपर से इन्होंने एक जो CCTV फुटेज मिलते हैं और दूसरा जो हमारे बातमीदार है इनसे कुछ डिस्कस करके एक शंकर राजकुमार प्रतापपुर कांबड़े जो कड़वे का रहने वाला है इसके बारे में कुछ मालूमत मिला था, उसको ताबे में लिया। उसको पूछताछ करने के बाद उसने अभी तक 3 गुने जो है किया, ऐसा उसने कबूल किया है और उसके पास से 1,38,000 रुपये का माल जब्त किया है। अभी तक तो जो शंकर है उसके खिलाफ में तो कोई हमारे पास ऑफिस नहीं है। 3 गुने हैं जो उसने किया है, उसका माल भी दिया है और कबूल भी किया है उसने। हिप्पो जो है दूसरा आरोपी अभी तक मिला नहीं है और उसके बारे में मालूमात मिलती है कि उसके ऊपर कुछ गुने दर्ज है, अभी जल्द मालूमात लिया जाएगी और इनके खिलाफ़ में जो भी जिधर भी गुनाह किया है उसकी मालूमात लेके आगे का काम किया जाएगा। सर, चोरी का उद्देश्य क्या हो सकता है, कि बेरोजगारी हो सकती है या काम ना मिलने के वजह से हो सकता है? देखो, ये तो एजी मनी है, ऐसा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि टारगेट उनको फिक्स करना कोई आसान बात नहीं है। कोई लेडी अगर अकेली चलती है तो उसका खींचना इतना उसको तो तकलीफ का नहीं है, तो इसीलिए वो लोग एजी मनी के लिए वो खींच के लेके जाते थे।